गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे थे और हम पोइट्री सेक्शन की आज पांचवी पोएम डिस्कस करेंगे और उस पांचवी पोएम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे वाली थड़ी या दुकान। स्टैंड का मतलब थड़ी कह सकते हो, दुकान कह सकते हो, ठहराव कह सकते हो, ठीक है। और इसको कंपोज किया है फेमस पोएट जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो 12वीं एनसीईआरटी का ये सोल्यूशन हम देखेंगे कि रोड साइड स्टैंड बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत अच्छी पोएम है और इस पोएम में ग्रामीण गरीबों के बारे में कवि ने फोकस किया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग, किसान जो लोग जो रहते हैं, वे अपना कैसे जीवन यापन करते हैं। तो आज करते हैं शुरू ए रोड साइड स्टैंड, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखें कि ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे वाला स्टैंड, ठहराव, थड़ी या दुकान। स्टैंड का मतलब स्टैंड कह सकते हो, ठहराव कह सकते हो, थड़ी कह सकते हो, दुकान कह सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, बहुत अच्छे पोएट हुए हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हम बात करें तो बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म है वो 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो 1963 में हुई थी। ये एक अमेरिकन कवि हैं और ये बिलोंग करते हैं 20वीं शताब्दी से, 20 सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। ये 20वीं शताब्दी के कवि हैं और इनकी फेमस पोएम्स बहुत सारी, कई सारी फेमस पोएम हुई हैं जो पूरा वर्ल्ड पढ़ता है। आपके यहाँ भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कोटा यूनिवर्सिटी में चलती है ना। तो ये है कि एक पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये उनकी फेमस पोएम है, एक बर्फीली शाम को उपवन के किनारे रुकते हुए। और ये पोएम कई सारे कॉलेजेस में चलती है, यूनिवर्सिटीज में चलती है। एक है बिरचेज, भोजवृक्ष या सनोबर का पेड़। और एक तीसरी इनकी पोएम है मेंडिंग वॉल्स, मरम्मत की हुई दीवारें। तो यहाँ पर ये तीन पोएम इनकी फेमस रही है, वर्ल्ड फेमस रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम ऐसे ही कवि को पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ेंगे, कविता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अबाउट द पोएम पढ़ेंगे ना। तो चलिए चलिए बच्चों, अपनी बुक ले ले साथ में और देखें, बहुत अच्छी कविता है। पहले सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपको पता है बर्थ और डेथ मैंने आपको बता दी, 1874 और 1963, ठीक है, ओके। हाँ देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। पहली लाइन में देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, ये 20वीं शताब्दी के कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उच्च रूप से एक्लेम्ड, प्रसिद्ध, प्रशंसित अमेरिकन पोएट हैं 20वीं शताब्दी के। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक उच्च रूप से प्रशंसित या प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट है 20वीं शताब्दी के, है ना। तो ये बहुत फेमस रहे हैं, बहुत प्रशंसित रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेल नोन रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिनाउंड रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना ना, ये हाईली यानी उच्च रूप से, एक्लेम्ड यानी प्रशंसित कह सकते हो, प्रसिद्ध कह सकते हो, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक उच्च रूप से प्रशंसित अमेरिकन कवि हैं 20वीं शताब्दी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा अबाउट कैरेक्टर्स, पात्रों के बारे में, पीपल लोगों के बारे में, एंड लैंडस्केप्स और भूदृश्यों के बारे में। बच्चों लैंडस्केप होता है भूदृश्य, है ना, परिदृश्य या भूदृश्य। तो इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में खूब लिखा है ना। तो इन्होंने एक तो पात्रों के बारे में लिखा, ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में लिखा, और एक पीपल लोगों के बारे में लिखा, और एक लैंडस्केप्स मतलब भूदृश्यों के बारे में लिखा, है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा अबाउट कैरेक्टर्स, पात्रों के बारे में, अबाउट यानी के बारे में ना, पात्रों के बारे में, लोगों के बारे में और भूदृश्यों के बारे में। हिज पोइम्स आर कंसर्न, उनकी कविताएं संबंधित है, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, है ना, उनकी कविताएं संबंधित है विद ह्यूमन ट्रेजडीज एंड फियर्स। उनकी कविताएं संबंधित है मानवीय त्रासदी और भय से, पहली है ना, मानवीय त्रासदी और भय। त्रासदी होता है बच्चों दुख भरी घटना, दुखांतिका, और फियर यानी डर होता है, ठीक है, कोमा। हिज रिएक्शन टू हिज कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ,
उनके जीवन की जटिलताओं की उनकी प्रतिक्रियाओं से, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, कॉम्प्लेक्सिटीज यानी होता है जटिलताएं, और लाइफ यानी जीवन, तो कोमा लगा हुआ है, तो जीवन की उल्टा लो इसको, जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से, नंबर दो। तीसरा, एंड इज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और उनके बोझ के एक अंतिम स्वीकारोक्ति से। बच्चों अल्टीमेट होता है अंतिम, और एक्सेप्टेंस होता है स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना है ना, और आप जानते हैं बर्डन यानी बोझ होता है ना। तो बच्चों इनकी कविताएं जो तीन चीज़ों से संबंधित रही है, अब मैं एक साथ बोल रहा हूँ, उनकी कविताएं जो संबंधित है, नंबर वन मानवीय त्रासदी और भय से, जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से, और बोझ के उनके बोझ के अंतिम स्वीकारोक्ति से। तो उनकी जो कविताएं हैं वो तीन चीज़ों से रिलेटेड है, संबंधित है। एक बार फिर देख लो पूरी लाइन जाएगी है ना, कि उनकी कविताएं संबंधित है एक तो मानवीय त्रासदी और भय के साथ या भय से, और जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से, और उनके बोझ के उनके अंतिम स्वीकारोक्ति से। तो लाइन सेट करके देखो तीनों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे ना। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, एक बर्फीली शाम को उपवन के पास रुकते हुए, बिरचेज भोज वृक्ष, और मेंडिंग वॉल्स और मरम्मत की हुई दीवारें, आर ए फ्यू ऑफ इज वेल नोन पोएम्स, जो उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था इनकी फेमस पोएम रही है तीनों, ठीक है। चलिए अब आ जाओ मेन क्वेश्चन आता है आपका, अब ध्यान रखना बच्चों ना। ए रोड इन द पोईम ए रोड साइड स्टैंड, कविता रोड साइड स्टैंड में फ्रोस्ट प्रेजेंट्स, फ्रोस्ट व्यक्त करता है द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, गरीब वंचित लोगों के जीवन को। बच्चों पुअर यानी गरीब, डिप्राइव्ड यानी वंचित है ना, वंचित डिप्राइव्ड है ना, और पीपल यानी लोग है ना। तो ये कह रहा है रोड साइड स्टैंड कविता में फ्रोस्ट प्रेजेंट्स, फ्रोस्ट प्रस्तुत करता है द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, गरीब वंचित लोगों के जीवन को, विद पिटीलेस क्लैरिटी, दयाहीन स्पष्टता के साथ, एंड विद द डीपेस्ट सिंपथी एंड ह्यूमैनिटी, और गहनतम सहानुभूति और मानवता के साथ। तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है कि इस कविता में कवि क्या प्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर सीधा जाएगा ना, इस कविता में जो कवि है वो प्रस्तुत करता है गरीब वंचित लोगों के जीवन को दयाहीन स्पष्टता के साथ, और गहनतम सहानुभूति और मानवता के साथ, ह्यूमैनिटी मानवता, सिंपैथी सहानुभूति, डीपेस्ट गहनतम, क्लैरिटी स्पष्टता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि इस कविता में कवि क्या प्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है। तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि इस कविता में कवि प्रस्तुत करता है गरीब वंचित लोगों के जीवन को दयाहीन स्पष्टता के साथ, और गहनतम सहानुभूति और मानवता के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका गया है, अब बढ़ते हैं आगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले है ना, आई हैव यू एवर स्टॉप्ड, क्या आप कभी रुके हैं, एवर यानी कभी, स्टॉप रुके हैं, एट ए रोड साइड स्टैंड, किस पर, एक सड़क के किनारे वाली थड़ी पर। तो आपसे कह रहा हो, आपसे पूछ रहा है कि कभी आप घूमने गए हो कार से, बस से, तो आप कभी ऐसे ठहराव पे, बच्चों आप जाते हो हाईवेज पे, कई सारे गांव के लोग वहाँ बेचते रहते हैं, वहाँ दुकान खोले रहते हैं, चाय की थड़ी खोले रहते हैं ना, तो वहाँ पर आप रुक जाते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि क्या आप कभी रुके हो सड़क के किनारे वाली थड़ी पर, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर, आपने वहाँ पर क्या देखा ना। चलिए, मैंने इसमें हिंदी भी दे रखी है, इसके अबाउट द पोइट की एक बार देख लो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के एक अत्यधिक प्रशंसित अमरीकी कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पात्रों, लोगों और परिदृश्यों के बारे में लिखा। उनकी कविताएं मानवीय त्रासदियों और भय, जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, और उनके बोझ की अंतिम स्वीकृति से संबंधित है ना। एक बर्फीली शाम को जंगल में रुकते हुए, बिरच और मरम्मत की हुई दीवारें उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। कविता है रोड साइड स्टैंड में फ्रॉस्ट गरीब वंचित लोगों के जीवन को निर्दय स्पष्टता और गहरे सहानुभूति और मानवता के साथ प्रस्तुत करता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। चलिए बताएं, कोई दिक्कत है किसी को, बढ़ते हैं आगे ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोएम, ओके।
चलिए तो हम पोएम की बात करते हैं, तो हम पोएम पढ़ेंगे। चलिए एक मिनट, पोएम की बात करेंगे हम सबसे पहले। ये लो साहब, चलिए। हाँ जी बच्चों, हम पढ़ेंगे पहले छह लाइन, है ना। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक छोटी सी पुराने मकान को आउट कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था एक छोटी नई थड़ी के साथ। गरीब है, किसान है, जिसने अपने घर के मकान को थोड़ा आगे बढ़ाया और उसमें एक थड़ी खोल लिया ना। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट, छोटे पुराने मकान को आगे बढ़ा लिया गया था, आउट कर दिया गया था ना, विद ए लिटिल न्यू शेड, एक छोटी नई थड़ी के साथ। तो बच्चों एक गरीब ने क्या किया कि अपना जो मकान था, टूटा फूटा गरीब का मकान, उसको आगे बढ़ा के उसने उसमें एक थड़ी खोल लिया ना। इन फ्रंट, सामने, एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, सामने सड़क के किनारे जहाँ पर द ट्रैफिक स्पीड, यातायात तेज गति से गुजरता है। तो उसने हाईवे के पास अपने घर को आगे बढ़ाया और दुकान खोल लिया ना। कहाँ पर खोल ली? सामने सड़क के किनारे, वेहर, जहाँ पर ट्रैफिक स्पीड, यातायात तेज गति से गुजरता है। ठीक है बच्चों, तो एक गरीब ने, अब गरीब की थड़ी आप जानते हैं गरीब जैसी होती है ना। हाँ, ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे वाली थड़ी, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बहुत ही करुणामय रूप से याचना करती है। पैथेटिकली होती, करुणामय रूप से, प्लेड होती याचना करना। ठीक है, तो ए रोड साइड स्टैंड, अब बच्चों याचना ही करती है गरीब की थड़ी, तो गरीब की रहती है वो अपने हिसाब से। वहाँ दो खाटे, पलंग बिछा दिया, कुर्सियाँ रख दी, अपने चाय की थड़ी, चाय की स्टोव रख दिया और बस खोल ली थड़ी, कुछ कुरकुरे वगैरह लटका दिया ना, तो आप जानते हैं इस तरह क्या ना। रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे वाली थड़ी, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बहुत ही करुणामय रूप से याचना करती है ना। अब सुनो बच्चों, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा, फेयर यानी उचित, ये कहना उचित नहीं होगा फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि रोटी की भीख के लिए उस किसान ने जो वो थड़ी जो खोली है, वो रोटी की भीख के लिए नहीं खोली बच्चों। रोटी तो उसके पास है भाई, रोटी तो उसके पास है, रोटी तो इतनी खेती वेती कर लेता होगा जो साल भर का उसका खर्चा चल जाता है ना बच्चों। उसने इसलिए थड़ी खोली है कि कोई बाहरी लोग जो है कारों से जाते हैं हाईवे पे, वो रुकें, कुछ खरीदें, कुछ खाएं पिए और कुछ पैसा दे के जाए, है ना, ताकि वो भी अपना जीवन का अनुभव ले सके, जीवन की सुख सुविधाओं को महसूस कर सके। ठीक है, रोटी की भीख नहीं मांग रहा वो आपसे, आपको वो बेच के, सामान बेच के आपसे पैसे ले रहा है ना। तो कह रहा है इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, की रोटी की भीख के लिए ना, बट परंतु फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ धन के लिए, परंतु कुछ धन के लिए, द कैश, कुछ नकदी के लिए, हुज फ्लो, जिसका प्रवाह है, जिस नकदी का प्रवाह है, सपोर्ट, सहारा देता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर रूपी फूलों को, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, सिंकिंग मुरझा कर, विदरिंग फेंट मृत प्राय होने से। तो वो सहारा देता है किससे बचने से, मुरझा कर और मृत प्राय होने से। तो ये दोबारा देख लो, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, एक सड़क के किनारे वाली थड़ी जो बहुत ही करुणामय रूप से याचना करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, की रोटी की भीख के लिए, बल्कि सम ऑफ द मनी, कुछ धन के लिए, कुछ नकदी के लिए, जिस नकदी का प्रवाह सहारा देता है शहर रूपी फूलों को, सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, मुरझा कर और मृत पाए होने से बचाने के लिए, है ना। तो मैंने हिंदी भी दे रखी है इसको, एक बार देख लो। एक छोटे से पुराने से मकान को आगे बाहर बढ़ाकर एक छोटी सी नई थड़ी बना ली गई है, सामने सड़क के किनारे जहाँ पर यातायात तेज गति से गुजरता था। सड़क के किनारे वाली ये थड़ी अत्यधिक करुणा के साथ याचना करती थी, ये कहना उचित नहीं होगा कि रोटी की भीख के लिए, बल्कि कुछ धन के लिए, कुछ नकदी के लिए, जिसका प्रवाह सहारा देता है और शहर रूपी फूलों को दुर्बल होने और मुरझाकर मृतप्राय होने से बचाता है। तो बच्चों ये गरीब की थड़ी है, जो गरीब की, तो गरीब की ही आप जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि उसने कहाँ पर कैसे थड़ी बनाई घर को आगे बढ़ा के, कहाँ पर बनाई, सड़क के किनारे जहाँ पर यातायात तेज गति से गुजरता है, और वो क्या करती है, वो पैथेटिकली प्लेड करती है ना, करुणा में याचना करती है, पर याचना किसके लिए नहीं करती, रोटी की भीख के लिए नहीं करती है, वो लोग रोटी की भीख नहीं मांग रहे हैं ना, बल्कि किसके लिए करती है, कुछ नकदी के लिए, कुछ धन के लिए, ताकि लोग जो हाईवे पर जाए, अमीर लोग, कुछ नकदी दे के जाए, कुछ पैसा दे के जाए,
ठीक है, जो जिससे उनको सहारा मिल सके और वो मुरझाकर मृतप्राय होने से बच सके, है ना। तो ये हमारा पहला था, 6 लाइन में याद करिएगा, देखिएगा ना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, कल बढ़ेंगे हम आगे। ओके बाय बच्चों।